वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। आज हम करेंगे एक क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स वीडियो नंबर 2 है। आप चाहे तो वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं, उससे पहले मैंने सिलेबस भी डाला हुआ है, यूनिट 1 नंबर थ्योरी। ठीक है, अब हमने देखे हैं, पहले देखेंगे कि नंबर थ्योरी में पढ़ने क्या वाले हैं। इसके बेसिकली 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए में आपका प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर विदाउट प्रूफ। मतलब हम इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। रामानुजन्स वर्क ऑन प्राइम पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन पढ़ेंगे एंड प्राइम नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रिप्शन और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड लॉगरिथम्स, ये आपकी हेडिंग है। बिजनेस एप्लीकेशन रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक वर्ड है इंक्रिप्शन। ठीक है, आपने देखा होगा इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ समथिंग इनटू कोड और सिंबल। जैसे आपने अपना मैसेज किसी पर्सन को मतलब सीक्रेटली पहुंचाना है ताकि बीच में कोई उसको समझ ना सके, तो आप क्या करेंगे, अपने जो मैसेज को कोड में और सिंबल में कन्वर्ट कर दोगे ताकि आपका मैसेज वही समझ पाए जिसको आप समझाना चाहते हो, बीच में आपका मैसेज लीक ना हो, तो वो होता है बेसिकली आपका इंस्क्रिप्शन। चलिए आगे करते हैं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। लेट मी रब दिस, इस पे बात कर देते हैं थोड़ा सा। प्राइम नंबर्स आपने पढ़े होंगे, छोटी क्लास से ही पढ़ लेते हैं हम प्राइम नंबर बेसिकली। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, लिख सकते हो, फर्स्ट हेडिंग डाल के लिख सकते हो प्राइम नंबर्स। Numbers which has exactly two factors, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो। ठीक है, इनके कितने फैक्टर हैं, इनके 2 ही फैक्टर होंगे। अब 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 2 खुद होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 होगा, 1 होगा। 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 होगा, 1 होगा। 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर वो नंबर खुद और 1 हो, वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब एक आता आपका कंपोजिट नंबर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। उसके बाद आता आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स आपके वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, बट 2 से ज्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 है, 6 है, 8 है, 9 है एंड सो। तो 4 के क्या क्या फैक्टर।